मॉर्निंग बेटा, पहला असि बेटा थर्सडे वाला टेंस डिस्कस करेंगे, उस तो बाद मुहावरे, फिर अणडिठी काव टुकड़ी। पहला क्वेश्चन सी बेटा, मोन तारी कांगी किस दी लिखी हुई है? यस, किस दी लिखी सी बेटा मोन तारी कांगी? ईश्वर चंद्र नंदा दी। दूसरा क्वेश्चन सी, राम प्यारी दे घर दा नंबर किन्ना सी? नंबर किन्ना सी? क्वार्टर नंबर 14। थर्ड सी, साधु ने सब तो वड्डी औषधि केड़ी गई सी? सब तो वड्डी औषधि केड़ी सी? दान। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पुलिस इंस्पेक्टर दा की नाम सी? इंस्पेक्टर दा की नाम सी बेटा? ऑप्शन सी, दीपचंद, मदन लाल, हरिचंद ते किशोर चंद। की नाम सी बेटा? दीपचंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्लर्क भूषण ने किन्ने रुपया ना गमन किया सी? किन्ने रुपये किया सी? 48,000 रुपए, 48,000। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्रिया वाला टॉपिक सी बेटा, ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने गलत किए हैं। ठीक है, क्रिया दसी सी ना, पहले तो तुसी क्रिया की डेफिनेशन करनी है। क्रिया का संबंध कि है? काल दे नाल है। क्रिया का संबंध कि है? काल दे नाल। फिर आप क्रिया किस्मां कितियां सी? सकर्मक ते अकर्मक। सकर्मक दी टू टाइप्स, पूर्ण सकर्मक क्रिया ते अपूर्ण, ते अकर्मक दी टू टाइप्स, पूर्ण अकर्मक क्रिया ते पूर्ण अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट फिर आप रूप किते सी, केड़े केड़े रूप है? तीन रूप है, संसरंगी क्रिया, सहायक क्रिया ते मुख क्रिया। संसरंगी क्रिया केड़ी होंदी है? जिस सिर्फ विशेषण लगा होवे, सिर्फ एडजेक्टिव लगा होवे, ते क्रिया की होवे? है, सी, सन होवे, कोई क्रिया नहीं हो रही होंदी बेटा। संसरंगी क्रिया दे विच कोई क्रिया नहीं होंदी, विशेषण लगा होंदा है। जिवें ईमानदार है, वह बेईमान है, वह लायक है, वह चुस्त है, वह चलाक है। क्रिया का सिर्फ रूप केड़ा होंदा है? है, सन या सी। दूसरी क्रिया केड़ी है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया च की होंदा है? सकदा है जा सकदी है जा चाहिदा है, क्रिया दे रूप होंदे हन। जिवें दुकान दा सारे सौदे रखदा है, सॉरी ओ कविता सुना सकदा है, ठीक है, वह गीत सुना सकदा है, ओ चंगी तरह उर्दू बोल सकता है, क्रिया का की रूप होंगे? सहायक क्रिया सकता है या सकती है। तीसरी सी मुख क्रिया। मुख क्रिया सहायक क्रिया दे नाल भी हो सकती है, सहायक क्रिया तो बिना भी। अखीर ते केड़ा वर्ड होंगे? रखता है जा रखती है जा रख सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन सी बेटा, मोहन ईमानदार लड़का है, क्रिया का केड़ा रूप है? तेज जो है बेटा, संसरंगी क्रिया है, सहायक क्रिया है, कि मुख क्रिया है, कि अपूर्ण क्रिया है? आंसर दसो बेटा, इहदा किहड़ा है? मोहन ईमानदार लड़का है, क्रिया का केड़ा रूप है? यस, मान्यवीत, मान्यवीत बेटा, सतरंगी क्रिया। हाँ, क्यों सतरंगी क्रिया बेटा है? यस, क्योंकि इहदे च की है बेटा, की लगा होया है? मोहन ईमानदार लड़का है, ईमानदार लड़का क्योंकि बेटा, हाँ, ईमानदार विशेषण लगा हुआ है, ठीक है, एडजेक्टिव लगा हुआ है, कोई क्रिया नहीं हो रही, इसलिए की है ये ससरंगी क्रिया। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन गीत गा सकता है, वाक विचों सहायक क्रिया चुनो। मोहन है सहायक क्रिया, के सकता है कि कल्ला है वर्ड है कि कोई नहीं? अंशिया, यस बेटा, अंशिया मैम सकता है। वेरी गुड, क्योंकि सहायक क्रिया केड़ी होंदी? की ते सकता है जा सकती है। जेड़े बच्चों ने टेस्ट नहीं दिता बेटा, वो भी ध्यान ना सुन लो। नेक्स्ट है, कमलजीत चलाक है, ठीक है, वाक विचों संसरंगी क्रिया चुनो। पहला ऑप्शन है सेकंड कमलजीत, थर्ड चलाक, देन फोर्थ कोई नहीं। ईशानी बेटा, ईशानी मैम है, है। वेरी गुड, क्योंकि ससरंगी क्रिया विच क्रिया दा कल्ला रूप है, सी या सन ही हुंदा है। वेरी गुड। नेक्स्ट है, कर खा लिख पढ़ की हां धातु हन, क्रिया हन, अपूर्ण क्रिया या कोई नहीं है? तनवीन, तनवीर बेटा, मैम हाँ बेटा है,
धातु है। वेरी गुड, कर खा लिख पढ़ के धातु हां जितो सारियां क्रियावां बनदियां है। जे बेटा इसी थां ते आ जांदा पढ़ता है लिखता है पढ़ांगे ओ की हो जानियां सी क्रियावां। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट है लास्ट, मां धी नूं कहन लगी वाक विच क्रिया केड़ी है। मां मां वड्डी धी नूं कहन लगी वाक विच क्रिया दी केड़ी किस्म है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक कि अपूर्ण सकर्मक है कि पूर्ण अकर्मक है। यस बेटा अंशिया मान्यवीत मैम अपूर्ण सकर्मक क्रिया। क्यों अपूर्ण है बेटा? क्योंकि ये कर्म तो है ठीक है, क्योंकि नू लगा है ठीक है, वड्डी धी नू कर्म है पर उदा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। जो कोई मीनिंग ना निकले तो वह केड़ी क्रिया होंगी है, जो कर्म भी लगा हो करता भी हो क्रिया भी हो, पर जिदा कोई मीनिंग ना निकले कोई अर्थ ना निकले वह केड़ी क्रिया होंगी अपूर्ण सकर्मक क्रिया। तो जिदा कोई मीनिंग निकलता है वह आप सकर्मक भी कह सकते हैं तो पूर्ण सकर्मक क्रिया भी लिख सकते हैं। ओके बेटा क्लियर है बेटा सब नु टेस्ट। हुन असी बेटा मुहावरे करांगे। ओके नेक्स्ट टाइम बेटा टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करने, जिन्हों कोई प्रॉब्लम है टाइमिंग दी प्लीज बेटा मुझे मैसेज जरूर कर देना। ओके नेक्स्ट ईडी भाग वाले मुहावरे कर लो बेटा अपनी ग्रामर बुक दे विचों, तुहाडे सिलेबस दे विच बेटा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी ससा ते आहा है मुहावरे ठीक है। ऊड़ा ते ऐड़ा भाग असीं कर चुके हां पीटी 1 दे विच, अज असीं बेटा ईड़ी भाग वाले करांगे। लास्ट टाइम भी दस्या सी बेटा तुहानूं 8 तक तां सिर्फ मुहावरे दा अर्थ आंदा सी, पर हुण बेटा तुहानूं मुहावरा दे के उहदा अर्थ भी या अर्थ दे के उहदा मुहावरा भी लिखना आ सकदा है ठीक है, या मुहावरा पूरा करो ब्लैंक्स दे रूप विच ही आ सकदा है ठीक है, या पहले दो वर्ड दे के ठीक है डैश डैश मुहावरा पूरा करो या सेंटेंस बनाना ठीक है। मुहावरे दा हुण पहला मीनिंग करदे हां, मुहावरे का की मीनिंग है? मुहावरा की है बेटा कुछ शब्दों का समूह हुंदा है, मीनिंग भी पूछ सकते हैं। मुहावरा की है बेटा कुछ शब्दों का समूह हुंदा है जिदे शाब्दिक अर्थ भाव की शब्द के तौर पर उहदे अर्थ अलग हुंदे हन ते भाव अर्थ कुछ होर हुंदे हन, शाब्दिक अर्थ उहदे कुछ होर हुंदे हन ते भाव अर्थ उहदे कुछ होर हुंदे हन। हुण फर्स्ट आपां करांगे बेटा ईड़ी भाग वाला मुहावरा इको डगे पिंड मंगना, इको डगे पिंड मंगना भाव की किसी वड्डे काम नू ठीक है, कोई वड्डा सारा काम है उनू इको वारी खत्म करने की कोशिश करना। बेटा नैचुरली जो कोई वड्डा काम है ठीक है, कोई बहुत वड्डा काम मिले तो इको दिन तो आप खत्म नहीं कर सकते ठीक है, इको समय आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि काम नू करन लगे बेटा टाइम लगता है ठीक है। जे आप कोई वड्डा काम है उनू फटाफट करने की कोशिश करा कि वह खराब हो जाएगा ठीक है। इको इको डगे पिंड मंगना किसी वड्डे काम नू इको वारी खत्म करन दी कोशिश करना ठीक है, हर काम नू सिरे चाड़न लग्या या खत्म कर लग्या थोड़ा समा लगता है ठीक है। जे आपां इको डगे पिंड मंगांगे तां ओ काम सही नहीं होवेगा। नेक्स्ट है इक रंग आना ते इक रंग जाना, घबरा जाना डर जाना, इक रंग आना इक रंग जाना घबरा जाना डर जाना। जो मैं अचानक अपने सामने सप नू देखिया ता मैं मेरा एक रंग गया ते एक रंग आया। नेक्स्ट है इको रस्से फाहे देना, सारिया नू एक बराबर समझना, इको रस्से फाहे देना सारिया नू इको रस्से फाहे देना इको बराबर समझना। एक सियाना जेड़ा इंसान होएगा ठीक है वह सारिया इको डगे फाहे नहीं दिता, वह देखता है कि किने गल केड़ा सही है केड़ा गलत है, या एक जेड़ा सियाना जज हुंदा है ठीक है, सियाना जज जेड़ा कि गलत इंसान नू ठीक है सजा दिंदा है, जिन्हें कोई काम गलत नहीं किया उहदा नू जेड़ा कि सजा नहीं दिंदा। नैक्सट है ईन मन्नी हार मन्नी, पंजाबी लोग कदे भी ईन नहीं मनते। नैक्सट है एक अख नाल देखना बराबर समझना, एक अख नाल देखना बराबर समझना, माता पिता अपने बच्चियां नू हमेशा एक अख नाल देखदे हन। नैक्सट है
एक मुठ होना, एक मुठ मतलब रल मिल के रहना, एक मुठ होना रल मिल के रहना, ठीक है। मापे अपने बच्चों नू हमेशा यही समझाते हैं कि सानू एक मुठ होके रहना चाहिए है, क्योंकि जब एक मुठ होके रहेंगे तो साडा कोई फायदा नहीं उठा सकेगा। नेक्स्ट है इट घड़े का वैर, बहुत ज्यादा दुश्मनी होना, इट घड़े का वैर बहुत ज्यादा दुश्मनी या सुभाविक वैर, बहुत ज्यादा वैर होना, ठीक है। दोना दोस्तां दोना भरावां दे विच इट घड़े का वैर है। नेक्स्ट है एक दिया चार सुनाना, एक दिया चार सुनाना, किसी का लिहाज ना करना, ठीक है, किसी का भी लिहाज करना, वो इन्ना लड़ाका लड़का है कि जे कोई उन एक सुनाए तो ओदे बदले वो चार सुनांदा है। ईद दा चंद होना, ईद दा चंद होना मतलब बहुत देर बाद मिलना, ईद दा चंद होना बहुत देर बाद मिलना, ठीक है। मेरा भरा तो ईद दा चंद हो गया, जदों दा विदेश गया है वापस आन दा नाम ही नहीं लै रहा। एक मिक होना, रल मिल के रहना, एक मिक मतलब रल मिल के रहना, सानू हमेशा एक मिक होके रहना चाहिदा है। नेक्स्ट है एक एक ते दो ग्यारह, एक एक ते दो ग्यारह भाव की एकता का जो महत्व दसना हो, ठीक है। जे आप कोई काम कल्ले करांगे, ठीक है, काम साढ़े को जल्दी नहीं हुंदा, ते कई बार असी मतलब असी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते भी काम साढ़े को हो ही नहीं आ, पर जे ओही काम दे विच साढ़े कोई साथ दे दे, ठीक है, साढ़ा फ्रेंड कोई साथ दे दे या ब्रदर सिस्टर साथ दे दे, तो ओही काम असी वधिया तरीके नाल ते जल्दी कर लैंदे आ, हुंदा ना बेटा कई बार इस तरह, ठीक है। कोई काम जो सानू कल्ला बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, पर जे कोई साढ़ा साथ दे दे ते सानू ओही काम इन्ना ईजी लगता है ते जल्दी हो जाता है। इसलिए कहते एक एक ते ग्यारह भाव की जदों एकता का महत्व दसना होवे। नेक्स्ट है इज्जत नू वट्टा लगाना, इज्जत नू वट्टा लगाना मतलब की बदनामी करनी या इज्जत रोलनी। जदों दा उसका मुंडा नशे करन लग गया है उसने तो अपने माता पिता की इज्जत नू वट्टा लगा दिता है। नेक्स्ट है इट का जवाब पत्थर नाल देना, इट का जवाब पत्थर देना ठोक के जवाब देना, ठीक है, इट का जवाब पत्थर देना उसी वेले ठोक के जवाब देना, ठीक है। पंजाबी लोग हमेशा इट का जवाब पत्थर नाल देंदे हन। नेक्स्ट है इट खड़िका लाना, झगड़ा करना, इट खड़िका लाना झगड़ा करना। बेटा तुसी क्वेश्चन भी ध्यान नाल पढ़ने मुहावरे दे, क्योंकि बेटा अर्थ दे के तुहानूं कोई भी मुहावरा लिखना आ सकदा है, ओके, या मुहावरा पूरा करो। इट खड़िका लाना झगड़ा करना, छोटे बच्चे कई बार छोटी छोटी गल्लां ते इट खड़िका ला दिंदे हन, या उस दी तां आदत ही है उह निक्की जिही गल ते इट खड़िका ला दिंदा है। नेक्स्ट है इट नाल इट खड़कानी तबाह कर देना, ठीक है, ध्यान नाल पढ़ने देखो, इट खड़िका लाना झगड़ा करना, इट नाल इट खड़कानी तबाह कर देना, ठीक है। बंदा बहादुर ने सरहंद दे, ठीक है, सरहंद दी इट नाल इट खड़का दिती, बंदा बहादुर ने सरहंद दी इट नाल इट खड़का दिती जदों बेटा उन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी दे छोटे साहबजादिया की शहीदी का बदला लिया सी वजीर खां कोलों। इको तकड़ी दे वट्टे होना, इको जे सुभा दे होना, इको तकड़ी दे वट्टे होना मतलब इको जिहा सुभा है, इको तकड़ी दे वट्टे होना इको जे सुभा दे होना, ठीक है, दोनों भैणां इको तकड़ी दे वट्टे हन। नेक्स्ट है इल दा नां कोको नाणा, इल मतलब कोई भी पढ़ना आना अनपढ़ होना, इल दा नां कोको नाणा बिलकुल भी बिलकुल अनपढ़ होना, ठीक है। उसनूं तां इल दा नां कोको भी नहीं आंदा पर फिर भी वह पिंड दा सरपंच बनिया पिया है, उसने की लोकां दा भला करना है। नेक्स्ट है एक ना सुननी या मननी, एक ना सुननी या मननी अपनी मनमर्जी करना, एक ना सुननी भाव की अपनी मनमर्जी करना, ठीक है। उसनूं तां उहदे माता पिता ने बथेरा समझा लिया कि तू नशे ना कर, पर उसने अपने माता पिता की एक भी ना सुनी। नेक्स्ट है इलम दा कीड़ा, इलम मतलब पढ़न वाला, इलम दा की मतलब है पढ़न वाला, ठीक है। इलम दा कीड़ा मतलब जो किताबी कीड़ा होए, हर वेले किताबा पढ़े, इलम दा कीड़ा मतलब किताबी कीड़ा जो हर समय किताबा पढ़े, ठीक है। उसनूं तां इलम दा कीड़ा लग्या होया है जो सारा समय ही किताबा विच वड़िया रहिंदा है ते बिल्कुल भी खेडण दा नाम ही नहीं लैंदा। नेक्स्ट है
एक कान सुन के दूजे कानों काट देना, सिक्ख्या दा असर ना होना। एक कान काट के दूजे कानों काट देना भाव की सिक्ख्या दा असर ना होना। कुछ बच्चों की तो आदत होंगी कि वह वड्डियां दीयां गल्लां नूं एक कानों काट के दूजा एक कानों सुन के दूजे कानों काट देंदे हन। क्लीयर है बेटा? ये तुसीं 1 टू 20 तक मुहावरे लर्न करने है। कोई भी मुहावरा दे के उहदा अर्थ आ सकदा है, या बेटा मुहावरा पूरा करो या सेंटेंस बनाओ। ओके, सब ने ईडी मुहावरे मुहावरे कर लेने हैं। ओके बेटा, हुन बेटा असीं अणडिठी काव टुकड़ी करांगे। नेक्स्ट है अपनी अणडिठी काव टुकड़ी। बेटा मुहावरे दी जिहड़ी पिछे बैक एक्सरसाइज दित्ती होई ना, ओह भी फिल कर लेना, ठीक है, ग्रामर बुक दे। ठीक है, कोई डाउट होएगा फिर आपां नेक्स्ट क्लास दे विच डिस्कस करांगे। ओके बेटा, पेज नंबर 222 ते है, 222 पेज ते बेटा मुहावरे दी जिहड़ी एक्सरसाइज दित्ती होई ना बेटा, 221 222, ठीक है, ओह वाली एक्सरसाइज तुसीं अपनी बुक ते ही पेंसिल नाल करनी है। ओके, नेक्स्ट बेटा असीं हुण करांगे अणडिठी काव टुकड़ी। अणडिठी काव टुकड़ी कहड़ी हुंदी है बेटा? जो असी देखी नहीं होंगी, जेड़ा कविता दा पैरा असी देखिया नहीं है किसी भी बुक दे विचो बेटा, कोई पैरा आ सकता है उस पैरे नाल रिलेटेड। फिर बेटा तुहानू क्वेश्चन पूछे जाणगे 3 या 4, तुसी पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ना है, पढ़ के समझ के फिर उहदे आंसर देने है, ते पोएटिकल लैंग्वेज विच आंसर नहीं देने। ठीक है, हो सकदे एमसीक्यूज विच भी आ सकदे है क्वेश्चन। ठीक है, अणडिठी काव टुकड़ी दे क्वेश्चन एमसीक्यूज दे विच भी आ सकदे है, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲੁਕਾਟ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲੁਕਾਟ ਦੱਸਿਆ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਿਆ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਿਆ, ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ ਬਹਾਰ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ ਬਹਾਰ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਲਿਫਾਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਬੇਰੀਆਂ ਲਿਫਾਈਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਲਿਫਾਈਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੇ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਵੇਲਾਂ ਰੁੱਖੀਆਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਵੇਲਾਂ ਚੜੀਆਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਵੇਲਾਂ ਰੁੱਖੀ ਚੜੀਆਂ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਗ ਤੇ ਸਵਲੀਏ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਗ ਤੇ ਸਵਲੀਏ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਕਣਕਾਂ ਲੁਕਾਟ ਹੱਸਿਆ, ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਾਵ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕਾਟ ਕੀ ਇੱਕ ਫਲ ਹੈ, ਲੁਕਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਰਸ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੂਰ ਪਿਆ ਅੰਬਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿੜਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਫੇਰਿਆ ਬਹਾਰ ਨੇ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
बेरिया लिफाइया टहनिया दे भार ने, बेरिया मतलब बेर, ठीक है, बेरा दे भार दे नाल टहनिया नीचे लिफड़िया शुरू हो गई हैं। पुंगड़िया वाला वेला रुखे चढ़िया, जिहड़ियां वेला हैं रुखा दियां रुखा उत्ते चढ़दियां जा रही हैं। साई मतलब परमात्मा, साई की निगाह जग ते सवली है। कविता इस लाइन च की कह रहा है कि इस तरह लग रहा है कि दुनिया जिहड़ी परमात्मा की निगाह जिहड़ी की है पूरी दुनिया ते सवली है, मेहर वाली है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, केड़ी फसल पक के तैयार हो गई है। ये आंसर दसो बेटा, केड़ी फसल पक के तैयार हो गई है। रेज योर हैंड। फर्स्ट क्वेश्चन चैतन्या। यस बेटा चैतन्या। यस वेरी गुड, कनक दी फसल पक के तैयार हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दी निगाह दुनिया ते मेहर वाली है, किस दी निगाह दुनिया ते मेहर वाली है। रेज योर हैंड बेटा। सेकंड क्वेश्चन, किस दी निगाह दुनिया ते उत्ते मेहर वाली है। जानवी बेटा, जानवी। मैम साईं दी निगाह दुनिया ते मेहर वाली। वेरी गुड, साईं मतलब परमात्मा दी निगाह दुनिया ते मेहर वाली है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इस इना लाइना विच केड़ी रुत दी गल कर रहा है, या केड़ी रुत दे आन नाल बागां दे विच फुल खिंडे शुरू हो गए हन। केड़ी रुत दे आन नाल बागां विच फुल खिंडे शुरू हो गए हन। अंशिया, अंशिया बेटा। कवि इना कवि ना कासत्रा विच बसंत रुत दी गल कर रहा है। हां बसंत या बहार रुत दी गल कर रहा है, जिन्हां दे हान दे नाल जेड़ा कि बागा दे विच की खिलना शुरू हो गया है, फूल खिलने शुरू हो गए हन। वेरी गुड। नेक्स्ट है, केड़े फल विच बूर पैना शुरू हुंदा है, बूर केड़े फल विच पैंदा है, बूर केड़े फल विच मानवीत, मानवीत बेटा। अंब दे फल विच बूर पैना शुरू हो गया है। हां वेरी गुड, अंब दे फल दे विच बूर पैना शुरू हो गया है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हुण असीं नेक्स्ट पैरा बुक दे विचों करांगे बेटा, जिहड़ा बुक दे विच दित्ता है, तुहाडी बुक दे विचों। नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 460 ते एनडीटी कार्ड टुक दी, मां छा जिंदगी दे निकड़े जहे दिल विच। रिपीट करियां, मां छा जिंदगी दे निकड़े जहे दिल विच, सोमा ओ मुहब्बता दा रब ने पसारिया, अज तीकर जिदा किसे बाह तला नहीं लभिया, मार मार टुबिया है सारा जग हारिया। हुण बेटा इन्हां लाइना दे विच कवि किस दी सिफत कर रहा है, कोई दसेगा बेटा? इन्हां लाइना दे विच कवि किस दी सिफत कर रहा है? ओनली जी एन जानी बेटा, मैनूं लगदा है ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਂਸਰ ਦਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਛਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਆ, ਯੈਸ ਜੀਆ ਬੇਟਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮੈਮ ਇਨ ਕਾਵ 17 ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਸਿਰਫ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਛਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬੇਟਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਵੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੀਕਨ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਾਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਟੁੱਬਿਆ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹਾਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ
उत्तर नहीं मिलिया कि मां दे अंदर, मां दे दिल अंदर इन्ना प्यार कित्थों है, इन्ना प्यार कित्थों आंदा है, मां अपने बच्चे नु इन्ना प्यार किस तरह करदी। बच्चा चाहे अपनी मां नु लख बुरा कहे, ठीक है, चाहे उन्हें बीमार नु पानी तक ना पिलाए, पर मां जेड़ी की फिर भी जे बीमार भी होवेगी, ठीक है, ता भी अपने बच्चे नु, अपने बच्चे दा इन्ना ज्यादा ख्याल रखेगी। मां अपने बच्चे नु बेटा कभी भी दुखी नहीं देख सकती। हुन बेटा दी जे क्वेश्चन करा, यस चैतन्या, चैतन्या एनी डाउट बेटा? चैतन्या समझ आ गया ना बेटा इस कविता इन्हां लाइनां दे विच कवि ने मां दी प्रशंसा कीती है, भी मां दे दिल दे विच इन्ना ज्यादा प्यार किस तरह है, ठीक है, वड्डे वड्डे विज्ञानी हार के ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ, ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਿ ਹੋਮੇ ਦਾ। ਜੀਆ, ਯੈਸ ਜੀਆ ਐਂਡ ਜਾਨਵੀ, ਕਿਸ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ਼ਾਨੀ, ਨਹੀਂ, ਐਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਛਾਂ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ? ਅੰਸ਼ੀਆ, ਅੰਸ਼ੀਆ ਬੇਟਾ, ਐੜਾ ਛਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਛਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਲਿਖੋ। ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਨਾਰਾ, ਡੂੰਘਾਈ ਕੇ ਲੰਗਰ? ਅੰਸ਼ੀਆ, ਇਸ਼ਾਨੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ਼ਾਨੀ, ਊੜਾ ਸੰਸਾਰ। ਹਾਂ, ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਬੇਟਾ ਪੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? ਭਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੈਰਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਈੜੀ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਟੈਸਟ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।